नवभारत ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार हार्दिक स्वागत है। हम देख रहे थे विद्युत धारा वाला चैप्टर, और उसमें आपको बताया था जूल का तापन नियम इसके बारे में। तो जूल का तापन नियम क्या होता है, उसको सूत्र रूप में कैसे लिखा जाता है, H इजिकल टू आई स्क्वेयर आर टी, इस तरह से इसको लिखा जाता है। और इसके लिए जो तीन पॉइंट्स लिखे जाते हैं वो आपको बताए थे, एक बार मैं उनको पुनः रिपीट यहाँ पे कर रहा हूँ। H इजिकल टू आई स्क्वेयर आर टी, ये होता है जूल का तापन नियम। और इस नियम के अनुसार यदि ऐसा आ जाए, जूल के तापन नियम को समझाइए, तो आपको कैसे लिखना होगा, ये सूत्र लिख देंगे। और उसके बाद में आप लिखेंगे कि किसी स्रोत के द्वारा उत्पन्न ऊष्मा स्रोत में प्रवाहित धारा के वर्ग के समानुपाती होती है, यानी H समानुपाती आई स्क्वायर, ऐसा आप लिख देंगे। और इसके बाद में दूसरा है, स्रोत के प्रतिरोध के समानुपाती होती है, यानी H समानुपाती R, ऐसा लिख देंगे। और तीन नंबर में आप लिखेंगे, स्रोत में धारा प्रवाहित होने वाले समय के समानुपाती होती है, यानी H समानुपाती स्मॉल टी, ये तीन समीकरण इस तरह से लिखे जाते हैं। और समीकरण एक दो और तीन, ये तीनों क्या है, जूल का तापन नियम, इनको एक साथ लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे H इजिकल टू आई स्क्वेयर आर टी। इस पे बेसिस क्वेश्चन जो है वो आपको एक बताया था, और एक क्वेश्चन जो है वो एक फिर से हम कर लेते हैं आज। इसके अतिरिक्त आपको बताया गया था कि इसमें ये आवश्यक नहीं है कि केवल H का मान ही पूछे, इसमें H का मान दे रखा है अगर, तो I का मान भी पूछ सकते हैं, R का मान भी पूछ सकते हैं, या फिर T का मान भी पूछ सकते हैं। तो हम सूत्र को क्या कर लेंगे, पक्षांतरण करके नया सूत्र बना लेंगे, और उससे फिर उसका मान है वो निकाल सकते हैं। अभी आपको एक क्वेश्चन बता रहे हैं जिसमें H का मान पूछा गया है। ये क्वेश्चन है, 10 वोल्ट के संचायक सेल से, 10 वोल्ट के संचायक सेल से 50 ओम की नाइक्रोम की 50 ओम की नाइक्रोम एक मिश्र धातु होती है, 50 ओम की नाइक्रोम की प्रतिरोध कुंडली को जोड़कर प्रतिरोध कुंडली को जोड़कर 1 घंटे तक धारा प्रवाहित की जाती है, प्रवाहित की जाती है, तो कुंडली में उत्पन्न
उष्मा का मान ज्ञात कीजिए। ये देखिए, किसी भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन में जो मान दे रखे होते हैं उनको हम यहाँ पे पहले लिख लेते हैं। तो इसमें किस किस का मान दे रखा है देखिए, V का मान दे रखा है 10 वोल्ट। ये इसके अतिरिक्त इसमें R का मान दे रखा है 50 ओम और एक घंटे तक धारा प्रवाहित की जाती है। तो इसमें T का मान दे रखा है एक घंटा, इसको हमें सेकेंड में बदलना पड़ेगा। तो एक घंटे में कितनी सेकेंड होती है, 60 × 60 यानी 3600 सेकेंड। एक घंटे में 60 मिनट होते हैं और प्रत्येक मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो टोटल कितने हो गए, 3600 सेकेंड। टी का मान हमें सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और फिर है कुंडली में उत्पन्न उष्मा का मान ज्ञात करना है, इसमें हमें एच का मान ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, उष्मा ज्ञात करने का सूत्र होता है एच इजिकल टू आई स्क्वायर आर टी। समझ गई बात को, तो एच का मान ज्ञात करने के लिए हमें आई आर और टी का मान चाहिए। हमारे पास क्या है, आर का मान है, हमारे पास क्या है, टी का मान है, लेकिन क्या नहीं है, आई का मान नहीं है। तो क्या इन मानों से हम आई का मान पहले निकाल पाएंगे, पहले हमें आई का मान निकालना पड़ेगा। तो देखिए, ये जो दिए गए मान है इनकी सहायता से क्या हम आई का मान निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं। कैसे, ओम का नियम होता है V इजिकल टू आई आर या फिर I इजिकल टू V ओब्लिक R होता है। इसमें देखिए, क्या हमारे पास V और R का मान नहीं है, तो उसको रख लेंगे हम। तो I इजिकल टू V का मान कितना है यहाँ पे, 10 और R का मान कितना है यहाँ पे, 50। एक ओब्लिक 5 हो गया और या फिर 0.2 एम्पियर ये धारा का मान आ गया। तो I का जो मान है वो अपने पास में यहाँ पे आ गया है 0.2 एम्पियर। अब हम ये सूत्र लगा के और किसका मान ज्ञात कर सकते हैं, स्रोत के द्वारा उत्पन्न उष्मा का मान ज्ञात कर सकते हैं, कुंडली में उत्पन्न उष्मा का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके लिए लिख लेंगे H इजिकल टू, इसको यहाँ से मिटा देता हूँ मैं, ये तो अपना फॉर्मूला हो गया। और इसमें मान रख लेते हैं I का मान कितना है, 0.2, इसको दो बार लिखेंगे क्योंकि I स्क्वायर है, 0.2 इंटू R का मान कितना है, 50 इंटू T का मान कितना है, 3600 सेकेंड। अब कैलकुलेट इसको कर लेते हैं, इसको कैलकुलेट करेंगे तो पहले इनको जोड़ लेते हैं, 0.4 आ जाएंगे, 0.04 आएंगे जब इनको गुणा करेंगे, क्योंकि दो अंकों के पहले पॉइंट आता है इसीलिए जीरो लगा के यहाँ पे ये लिख लेते हैं। और इसको इससे गुणा कर लेते हैं, 3600 को 50 से गुणा किया, ये आगे 180000। अब इसको इससे गुणा कर लेंगे, जीरो 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 7 और फिर 0.004 हो गए, 5 हो गए, 6 हो गए। अब इनको जोड़ते हैं यहाँ पे, तो 0.0007 और पॉइंट कहाँ पे लगेगा, दो अंकों के पहले, तो यहाँ पॉइंट लगेगा। तो इसमें आ गए 7200, इसकी जो जोड़ आई है वो कितनी आई है, 7200। और उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल, तो उष्मा का मात्रक भी क्या होगा, जूल। तो यहाँ पे 7200 जूल
आ जाते हैं। इसको हम 7.2 × 10³ जूल भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1, 2 और 3 अंकों के पहले हमने पॉइंट लगाया है, इसीलिए इसको इस प्रकार भी लिखा जा सकता है। समझिए, यह है उष्मा पे बेसिस क्वेश्चन। देख लीजिए इसको, ये फॉर्मूला लगा के और ये सारे मान हमने साइड में रख लिए, क्योंकि आई का मान यहाँ पे था नहीं, इसीलिए हमने वी और आर की मदद से पहले आई का मान निकाल लिया और फिर सूत्र में सारे मान रख के जब उत्तर निकाला तो अपना उत्तर कितना आया, 7200 जूल। ठीक है, अब इसको हटा देते हैं और इसके अतिरिक्त प्रतिरोध वाला जो हमने चैप्टर पढ़ा था, श्रेणीक्रम संयोजन और पार्श्वक्रम संयोजन, उसके लिए कुछ क्वेश्चंस और इसमें थे चैप्टर में अपने, तो उन्हीं में से एक दो क्वेश्चन जो है वो और आपको बता देते हैं। एक क्वेश्चन है, यदि किसी चालक में 10 mA, यदि किसी चालक में 10 mA, एम का मतलब मिली, ए का मतलब एम्पियर, मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर, मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर इसके सिरों पर 2.5 वोल्ट इसके सिरों पर 2.5 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न होता है, तो वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न होता है तो चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, चालक तार का क्या ज्ञात करना है, प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, तो जो मान हमें दे रखे होते हैं उसको पहले यहाँ पे लिख लेते हैं। किस चालक में 10 mA, आई का मान है ये और कितना है 10 mA, हमें मान किस में चाहिए, केवल एम्पियर में चाहिए, तो किसको हटाना पड़ेगा, मिली को हटाना पड़ेगा, और एक मिली किसके बराबर होती है, 10⁻³ के बराबर होती है, तो इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं, 10 × 10³⁻³ एम्पियर, इसको इसे इस तरह से लिख लेते हैं। और इसके बाद में हमें दे रखा है V का मान 2.5 वोल्ट, V इज इक्वल टू 2.5 वोल्ट, ये V का मान हो गया, और हमें ज्ञात करना है प्रतिरोध यानी R का मान ज्ञात करना है, तो I, V और R ये तीनों राशियाँ दे रखी है, और इन तीनों से किसका नियम बनता है, ओम का नियम, ओम के नियम के हिसाब से क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर, लेकिन हमें V ज्ञात नहीं करना है, इस प्रश्न में हमें क्या ज्ञात करना है, R का मान ज्ञात करना है, तो इसको चेंज कर लेते हैं सूत्र को और लिख लेते हैं R इज इक्वल टू V ऑब्लिक I। ठीक है, अब अपने पास में V का मान है और I का मान भी है, तो V की जगह पे हम लिख लेंगे 2.5 और I की जगह पे हम लिखेंगे 10 × 10³ या R इज इक्वल टू 2.5, ये 10 तो नीचे ही रह जाएंगे ये वाले, और ये 10³ जो है वो ऊपर चली जाएगी, और जब ये 10⁻³ ऊपर जाएगी तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, अभी माइनस में है तो ऊपर किस में हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी,
10 की पावर 3 इस तरह से। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, और ये अगर हम यहाँ से हटाना चाहें तो ये पॉइंट यहाँ लग जाएगा, यानी 0.25 इंटू 10 की पावर 3 इस तरह से इसको लिखा जा सकता है ओम। और हम चाहते हैं कि ये यहाँ पे पॉइंट को यहाँ लिखे हम, तो फिर क्या हो जाएगा, 10 की पावर 2 और सॉरी 10 की पावर 4 हो जाएगा दोनों। और इसको अगर हम यहाँ ले जाना चाहें तो फिर ये हो जाएंगी 10 की पावर 5, यानी जैसे जैसे इसको हटाएंगे वैसे वैसे यहाँ पे घात जो है वो बढ़ जाएगी। लेकिन आप जो है वो यहाँ तक भी लिख सकते हैं, ये ओम जो मात्रक है ये लगाना आवश्यक है। तो ये इसका प्रतिरोध का मान हो गया। अब प्रतिरोध से संबंधित क्वेश्चन है, जो हमने श्रेणी क्रम और समांतर क्रम पढ़ा था उससे संबंधित क्वेश्चन बता रहे हैं आपको। यहाँ पे कुछ परिपथ चित्र आपको दिखाए जाएंगे, प्रतिरोधों से प्रतिरोधों का संयोजन आपको यहाँ पे दिखाया जाएगा, और पूछा गया है दो पॉइंट्स दे रखे हैं जैसे ए और बी, तो उनके बीच में तुल्य प्रतिरोध का मान आपको ज्ञात करना है। दिए गए परिपथों में ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। तो पहला यहाँ पे जो प्रतिरोधों का संयोजन है वो इस प्रकार है, त्रिभुज की आकृति में 3 प्रतिरोध जो है जुड़े हुए हैं, ये यहाँ पे 2 ओम, ये 2 ओम, ये 2 ओम, ये यहाँ पे ए है और ये यहाँ पे बी है, इनके बीच में हमें प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है। और दूसरा जो है वो यहाँ पे बना रहे हैं इस तरह से, एक सर्किल है और ये यहाँ पे ए बिंदु और ये यहाँ पे बी बिंदु, ये देखिए 4 है इसमें, और सभी के प्रतिरोधों का मान है इसमें 2 ओम। और फिर इसमें एक और है, उसको हम चित्र को बाद में बनाएंगे, अभी पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला जो है उसको देखिए, एक नंबर को, इसमें ए और बी ये है, तो ऊपर वाले जो 2 है वो आपस में किस क्रम में जुड़े हुए हैं ये देखना पड़ेगा। इसका ये पहला सिरा है, ये इसका दूसरा सिरा है, इसका ये पहला सिरा है और ये इसका दूसरा सिरा है, इसका ये पहला सिरा है और ये दूसरा सिरा है। तो इसका ये पहला और ये दूसरा सिरा है,
इस तरह से, समझ गए ना, आगे से आगे स्टेप बाय स्टेप जुड़े हुए हैं। तो अब देखिए, यदि किसी प्रतिरोधकों में से पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हुआ हो तो किस क्रम में होगा, वो श्रेणी क्रम में। और इनमें क्या है, इन दोनों को देखिए, इन दोनों के प्रथम सिरे एक ही बिंदु पर है और दूसरा सिरा एक अन्य बिंदु पर जुड़ा हुआ है, तो वो क्या कहलाता है, पार्श्वक्रम। इसको हम मानेंगे आर वन, इसको हम नाम देंगे आर टू, इसको नाम देंगे आर थ्री। अब कैसे लिखेंगे, आर वन तथा आर टू किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। अतः इनका तुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम के लिए क्या फॉर्मूला लगता है। और यहाँ पे चूंकि ये जो हम आर ज्ञात कर रहे हैं ये फाइनल उत्तर है नहीं अपना, इसलिए इसको क्या लिखना पड़ेगा, आर डेस लिखना पड़ेगा। तो आर डेस इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू, या आर डेस इज इक्वल टू आर वन की जगह पे क्या लिख लें, दो, आर टू की जगह पे क्या लिख लें, दो। तो टोटल कितना हो गया, ये हो गया आर डेस इज इक्वल टू दो ओम हो गया। ये तो आर डेस का मान आया है ना। और अब ये जो अपना चित्र है वो चेंज हो जाएगा, कैसा बन जाएगा ये चित्र, ये बनेगा ऐसे, ये नीचे वाला जो है वो तो पहले की तरह ही रहेगा, जैसे आर थ्री इज इक्वल टू दो ओम ही रहेगा, लेकिन ऊपर वाला जो है वो अब चेंज हो गया है इस तरह से, ये ए है ये बी है, और यहाँ पे हमने नया किया था ज्ञात आर डेस जिसका मान कितना था, दो ओम, बी दो और दो थे तो जुड़ के कितने हो गए, चार, सॉरी यहाँ दो नहीं होगा, चार होगा, चार ओम, दो प्लस दो कितने हो गए, चार ओम। तो ये आर डेस का जो मान है वो चार डेस है और चार ओम है, आर डेस का मान चार ओम और आर थ्री का मान कितना है, दो ओम। अब ये दोनों आपस में किस क्रम में है, पार्श्व क्रम में। तो इसके लिए लिखेंगे आर डेस तथा आर थ्री पार्श्व क्रम में है, अतः इनका तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, अब के बार एक ऑब्लिक आर लिख सकते हैं, यहाँ पे केवल आर जो है वो इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये जो उत्तर आएगा वो अपना फाइनल उत्तर होगा। तो एक ऑब्लिक आर इज इक्वल टू एक ऑब्लिक आर डेस प्लस एक ऑब्लिक आर थ्री, या एक ऑब्लिक आर इज इक्वल टू एक ऑब्लिक आर डेस का मान कितना है, चार, प्लस आर थ्री का मान कितना है, दो। एलसीएम ले लिया तो कितना आया, चार, इसका इसमें भाग दिया तो एक और एक से गुणा कर दिया तो एक, प्लस इसका इसमें भाग दिया तो दो बार गया और दो को एक से गुणा किया तो दो, तो ये हो गया तीन ऑब्लिक चार एक ऑब्लिक आर का मान। तो सिर्फ आर का मान कितना आ जाएगा, चार ऑब्लिक तीन ओम, नीचे की राशि ऊपर और ऊपर की राशि नीचे चली जाएगी, तो ये मान आएगा इसका चार बटे तीन, ये इसका उत्तर है। अब उसका उत्तर हमें देखना है तो कैसे होगा वो, इसका पहला सिरा ये, इसका दूसरा सिरा ये, इसका ये पहला और ये दूसरा, और फिर इसका ये पहला सिरा है ये दूसरा सिरा है, ये इसका पहला सिरा है और ये इसका दूसरा सिरा है। ये इसका दूसरा, ये पहला और ये दूसरा, इस तरह से वापस देखिए इसको, इसका ये पहला सिरा, इसका ये दूसरा सिरा, इसका ये पहला, इसका ये दूसरा, और नीचे वाले में इसका पहला है, ये इसका दूसरा है, इसका पहला और इसका दूसरा है, क्योंकि ये दोनों आपस में किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में,
ये दोनों भी आपस में किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में क्या होता है, डिफरेंट सिरे पास पास होते हैं। पार्श्व क्रम में क्या होता है, समान सिरे पास पास में होते हैं। तो यहाँ पे दोनों सेम सिरे पास में, इसका मतलब कौन सा क्रम हुआ, पार्श्व क्रम। यहाँ पर भी देखिए दोनों पार्श्व क्रम इसलिए क्योंकि दोनों का सेम सिरा पास पास में है। तो इसके लिए जो तुल्य प्रतिरोध आएगा उसको किस तरह से याद करते हैं, देखिए इनको नाम दे देते हैं हम। ये R1 है और ये R2 है, ये R3 है और ये R4 है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, R1 तथा R2 किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। अतः है इनका तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, आर डेस से याद करेंगे क्योंकि ये लास्ट नहीं है ना, इसलिए आर डेस लिखेंगे। तो आर डेस इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू, या आर डेस इज इक्वल टू आर वन का मान कितना है, दो, आर टू का मान कितना है, दो। टोटल कितना हो गया, चार ओम हो गया आर डेस का मान। और फिर याद कर लेते हैं R3 और R4 के लिए। इसके लिए हम लिखेंगे R3 तथा R4 श्रेणी क्रम में है, अतः इनका तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, R डबल डेस इज इक्वल टू R3 प्लस R4, समझ गए, या R डबल डेस इज इक्वल टू दो प्लस दो, या R डबल डेस इज इक्वल टू चार ओम, ये आ गया इसका। अब R डेस और R डबल डेस का मान अपने पास आ गया, तो ये जो चित्र है वो चेंज हो जाएगा। पहले जहाँ इस तरह का दिख रहा था, अब ये दिखेगा इस तरह का। ये ए और ये बी, यहाँ पे आर डेस का मान कितना है, दो ओम। आर डबल डेस का मान कितना है, दो ओम, ठीक है। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, आर डेस तथा आर डबल डेस पार्श्व क्रम में संयोजित है, अतः इनका तुल्य प्रतिरोध वन ओब्लिक आर। अब की बार डेस वगैरह कुछ नहीं लगा रहे क्योंकि ये अपना फाइनल प्रतिरोध तुल्य प्रतिरोध है। तो वन ओब्लिक आर इज इक्वल टू वन ओब्लिक आर डेस प्लस वन ओब्लिक आर डबल डेस। वन ओब्लिक आर इज इक्वल टू वन ओब्लिक आर डेस का मान कितना है, दो। आर डबल डेस का मान कितना है, दो। एलसीएम लिया तो कितना आया, दो, एक प्लस एक। इसका इसमें भाग दिया तो एक एक आ गया, और इसका इसमें भाग दिया तो भी एक आ गया। दो ओम और दो ओम, यहाँ पे हमने गलत लिखा है, चार ओम और चार ओम है। यार डेस और डबल डेस का मान जो है वो चार ओम है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, चार ओम। और फिर इसका एलसीएम कितना आएगा, चार। इसका इसमें भाग दिया तो एक आ गया, और इसका इसमें भाग दिया तो एक आ गया। तो अब यहाँ पे अपना आंसर जो है वो होगा दो ओब्लिक चार, एक बटा आर का मान है, सिर्फ आर का मान क्या हो जाएगा, चार ओब्लिक दो, या फिर इसको काट देते हैं तो आर का मान आ जाएगा दो। ये अपना फाइनल इसका आंसर है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो इसमें पूछे जाते हैं।